Okay. <laughs> नमस्कार यूँ तो इतिहास काल से ही भारत में कला के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है जो हमें मंदिरों गुफाओं महलों आदि में नज़र आता है लेकिन बात अगर आधुनिक भारत की करें तो आधुनिक कला के क्षेत्र में जिन चुनिंदा महिलाओं का नाम सामने आता है उनमें से एक जाना माना नाम है अंजलि इलामेन का पचास के दशक में आपने कला के क्षेत्र में प्रदर्पण किया जो आपकी प्रारंभिक शैली थी और जो आपकी वर्तमान शैली है उसमें किस तरह का बदलाव आया है जब मैंने शुरू किया था आई वोज़ फिफ्टीन पंद्रह साल की थी तो वर्क जो काम था ना वो बहुत स्पॉन्टेनियस था थोड़ा क्रूड था क्योंकि हमारा हाथ साफ नहीं हुआ था उस समय मगर पूरा इमोशन से पेंट करते थे अभी कभी कभी मुझे लगता है कि हाथ ज़्यादा साफ़ हो गया है तो वो रिफाइनमेंट आ गया है पेंटिंग में दैट्स नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग हाँ उसमें भी कुछ आ, मैं सोचती थी कि जब मैं जवान थी इतने खुले दिल से और खुले मन से पेंटिंग करती थी अभी थोड़ा सोच समझ के करते हैं ना क्या माध्यम में भी फ़र्क आया है माध्यम में बहुत कम फ़र्क हुआ है क्योंकि मुझे माई प्रीफर मीडियम इज ऑयल ऑयल पेंटिंग ऑन हार्ड बोर्ड और मेसनाइट बहुत जब जिन सालों में मैं पेरिस में स्टडी कर रही थी एक्ल्द बोजार में वहाँ अर्ली क्रिश्चियन आर्ट से मुझे इन्फ्लुएंस हुआ था और वो सब लकड़ी के ऊपर पेंट होते हैं जो पुराने आइकॉन्स थे जो अर्ली क्रिश्चियन आर्ट था वो थोड़ा क्रूड था इट्स नॉट लाइक द रेनेसांस पेंटिंग्स जिसमें ज़्यादा रिफाइनमेंट हो गया था तो वो सब उसका स्टाइल और उसका मीडियम ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है और मैं बोजार में फ्रेस्को पढ़ रही थी सो so, जो फ्रेस्को पेंटर है आज एक भी फ्रेस्को पेंटर नहीं है इंडिया में जिन्होंने फ्रेस्को पढ़ा है जो राजस्थानी राजस्थानी फ्रेस्को पेंटर थे उसमें से एक भी नहीं मिलता है आज आजकल जो कहीं रेस्टोरेशन कराना होगा मैंने खूब ढूंढना है राजस्थान में कोई है नहीं आज जो वो टेक्निक जानते हैं कि वो चूना में सैंड वालू मिक्स करके बहुत कठिन काम है वो आपने जैसे कहा आपके माध्यम का वो भी काफ़ी कठिन है क्योंकि वाटर कलर्स को आसान माना गया ग्वाश को भी उतना आसान माना जाता है लेकिन ऑयल में पेंटिंग बनाना तो मुश्किल है नहीं मुश्किल नहीं है मुझे ऑयल पेंट सबसे अच्छा लगता है आजकल एक्रीलिक पेंट से लोग पेंट कर रहे हैं मगर वो इतनी जल्दी सूखता है एक्रीलिक पेंट करते करते ही वो सूख जाता है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर भी मेरा टेक्निक आप देख सकते हैं बहुत लाइट वॉशेज हल्के हल्के लेयर्स हैं पेंट के एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जैसे यहाँ देख रहे हैं आप ये लेयर अंदर का भी लेयर दिखाई दे रहा है इसका अंदर का भी देखिए जो अंदर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर और एक लेयर है तो वो मेरा अपना टेक्निक है जो बहुत पतले पेंट से एक लेयर सूखता है जब दूसरा लेयर लगाती जब आप पेंटिंग बनाने बैठती हैं अंजलि जी तो क्या एक ही वक्त में पूरी कर कर उठती हैं नहीं वो नहीं हो सकता ये टेक्निक में से जो पहला ड्राइंग होता है फिर फर्स्ट कोट और वो सूखेगा डिपेंड्स सो मच ऑन द वेदर जब मौसम की गर्मी है तो जल्दी सूख जाता है बारिश हो बारिश के समय तो सूखता ही नहीं रोज़ रोज, -रोज आके देखती हूँ कि सूखा है कि नहीं अगर नहीं सूखा है दूसरा लेयर नहीं लगा सकते किसने पहचाना कि आप में पेंटिंग के प्रति रुझान है जब मैं पंद्रह साल की थी मैं लॉरेंस स्कूल लवडेल में पढ़ रही थी जिस बोर्डिंग स्कूल को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल और हमारा गुरु था आर्ट टीचर सुशील कुमार मुखर्जी और ही वाज वन हु इंस्पायर्ड मी टू बिकम एन आर्टिस्ट हमारे माँ बाप सोचते थे कि शायद मैं uh, लेखक बनूँगी uh, माँ चाहती थी कि मैं ऑक्सफर्ड जाऊँ मैं लिखती थी भी पोइट्री एक्सेट्रा और पंद्रह uh, साल की उम्र में मेरा फर्स्ट पेंटिंग बिका था डॉक्टर जाकिर हुसैन आए थे स्कूल में और उन्होंने खरीदा सौ और था सौ रुपये के लिए प्रेसिडेंट भारत के प्रेजिडेंट ही वॉज़ वाइस प्रेजिडेंट थे और वो तो बहुत इंकारजमेंट था सौ रुपये तो बहुत पैसे थे क्योंकि वो स्कूल में हम लोग को एक रुपया पॉकेट मनी मिलता था हफ्ते में तो सौ रुपया बहुत तो क्या हम ये माने कि दिल्ली विश्वविद्यालय से इंग्लिश लिटरेचर की जो डिग्री आपने प्राप्त की वो थोड़ी ज़बरदस्ती में की थोड़ा ज़बरदस्ती <laughs> से मगर मैं पेंट करती रही और हुसैन साहब ने मेरा पेंटिंग देख लिया था जब तक मैं रोज़ रोज़ पेंट करती थी क्लासेस को स्किप करके बंक करके पेंटिंग में ही लगी थी मैं तो एक दिन हुसैन साहब आए थे और पता नहीं ये याद नहीं है कैसे पहुँचे हमारे घर में हम लोग लोधी स्टेट में मेरे पिताजी रहते थे आर्मी में थे तो हुसैन साहब ने कहा अरे इनका तो निमाश लगाना चाहिए तो खुद आके बाँस के पोल लेके एक गैलरी बनाया था गार्डन में बगीचे में और वहाँ 53 50 के ज़्यादा पेंटिंग उन्होंने लगाया और रिचर्ड बारथोलोमी जब बहुत मशहूर क्रिटिक थे उन्होंने लिखा था थॉट मैगज़ीन और मेरा थोड़ा सिर चढ़ गया था मैं सोच रही थी आजा मैं तो अभी पेंटर बन गई हूँ मगर जब मैं पेरिस पहुंची, वहाँ का स्कॉलरशिप मिल गया था मुझे मैंने देखा हमारे से अच्छे बहुत लोग थे जो उनका बहुत ज़्यादा जानकारी था मेरे से ज़्यादा और बहुत गैप्स थे हमारे एजुकेशन में हमने कभी प्रूस को नहीं सुना था कामू को नहीं सुना था ग्रेट फिल्म मेकर्स आइजनस्टाइन पुडोफकिन वो सब एक्सपीरियंस और लूव को मैं जाती थी रोज़ वहाँ स्टूडेंट पास मिलता था लूव और बड़े बड़े म्यूज़ियम जाने के लिए पचास के दशक में साठ के दशक में जब आप एक युवा महिला पेंटर थी फ्रांस जा रही थी अलग कल्चर था तो क्या कुछ चुनौतियाँ भी आई कितना आसान रहा सफ़र नहीं नहीं बहुत लोग थे बट वी वर टू वीमेन एक संतोष आ, पता नहीं वो क्यों पेंट नहीं कर रही है आजकल उनका तो नाम ही नहीं सुना वो छोड़ देते हैं महिला लोग का यही प्रॉब्लम एक है कि हमारे जमाने वाले में अभी मैं देख रही कुछ फ़र्क है कि जो जवान महिलाओं हैं उनका बहुत आ, आ, फोकस अच्छा होता है कि उन लोग छोड़ते नहीं हैं इतना जल्दी मगर हमारे जमाने में तो महिला बस शादी हो गई तो रोटी बेलने लगे और पेंटिंग छोड़ दिया कैसे मोटिवेट करती थी आप अपने आप को जब कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत कठिन चीज़ है कि मैंने मोटिवेट करके मैंने स्ट्रगल किया नहीं मुझे लगता है कि जिस दिन मैं पेंट नहीं करती हूँ जब पेट ही नहीं भरा जैसे खाना नहीं खाया न पानी नहीं पिया न सो सोना मिला क्योंकि पेंट आई एम फोर्स टू पेंट आई एम मूव टू पेंट हमको पेंट करना ही करना है ये सब जो मैथोलॉजिकल कहानियों है ना उनमें मैं आई शेयर वो भाग लेती हूँ और जो दुख होता होती है जो फीमेल डीटीज का है सीता का जब इतना दुख हुआ जब उनको दूसरी अग्नि परीक्षा फोर्स किया गया उनके ऊपर द्रौपदी का तो जो फेज था और कहानी था उसमें भी मैं दुख पाती हूँ कि कोई ऐसे कर सकता है एक औरत को डीबल डी एच तो इसमें भी मैं, मुझे दुख लगा के पार्वती का जो बच्चा हुआ था उसका सिर काटा गया कोई भी माँ का बच्चा का सिर काटा जाए तो आप सोच सकते हैं उसको कितना एगनी फील करती है वो तो ये पेंटिंग अभी वो है वहाँ आप देखते हैं उसका वो बच्चे का सिर अब पड़ा हुआ है और पार्वती भी इधर गणेश को देख रही है थे। ये बच्चा क्या मेरा है ऐसे वो सोच रही है व्यवसाय के तौर पे आपने आर्ट को कब अपनाया वो तो कभी मैंने सोचा भी नहीं क्योंकि मैंने शादी की थी राजा मैनन के साथ जो लेफ्टिनेंट थे नेवी में नहीं जब हमारी शादी हुई सब लेफ्टिनेंट थे तो उनको मिलता था चार सौ पचास रुपया तनख्वाह महीने का महीने का तो मैंने, का। तो मैंने सोचा अभी ये खाने पीने में से ये पैसे नहीं निकालना है तो मैंने अपने बाप को कहा कि आप दिवाली में प्लीज़ मुझे ना ज्वेलरी देना ना साड़ी देना खाली पेंट्स ब्रशेस और चार पांच कैनवस तो उन्होंने ये सब भेजा मेरे लिए तो मैं पेंट करने लगी फिर से और आई uh, रिमेंबर जब आई वाज एट मंथ्स प्रेग्नेंट तो एलिया फ्रांसेज ने मुझे एक एक्सिबिशन दिया था तो उस फोटो में भी मैं खड़ी हूँ यू कैन सी हाउ प्रेग्नेंट आई एम मगर थोड़े बहुत पेंटिंग बिक गए जब भी बिकता था पेंटिंग उससे जल्दी जाके मैं पेंट खरीद लिए खरीद लेती कभी ऐसा भी हुआ कि आपको पेंटिंग करनी थी लेकिन कैनवास के लिए या फिर ब्रश के लिए कलर्स के लिए आपके पास पैसे ना हो बहुत समय तब हमारे हस्बैंड का पोस्टिंग हो गया था इंग्लैंड में वहाँ तो पैसे खाने के लिए भी पैसे नहीं थे क्योंकि मैं खुद गई थी गवर्नमेंट ने मुझे नहीं भेजा था बोला ये इलेवन मंथ का कोर्स है किसी को नहीं भेजते हैं तो वहाँ जाके मैंने एक बड़ा पेंटिंग बनाया एक कंपनी के लिए उसी पैसे से छः महीने का किराए और खाना पीना और पेंट उसमें से निकलिया तो वो उस समय स्ट्रगल था मगर मैं कहती हूँ कि जो आर्टिस्ट की स्ट्रगल है इस बारे में नहीं है सोचते हैं ये पैसे का स्ट्रगल है ये पैसे का स्ट्रगल नहीं है इसका स्ट्रगल जो आर्टिस्ट आ, को बहुत आ, आ, सबसे मुश्किल चीज़ है कि अपना स्टाइल पक्का करें हाँ अपना सिग्नेचर पक्का करें क्योंकि आज देखते हैं कि हज़ारों आर्टिस्ट हैं लाखों आर्टिस्ट हैं इंडिया में मगर शायद सौ से ज़्यादा का सिग्नेचर आपको नहीं पता चलेगा कि जब पेंटिंग देखते हैं हाँ ये मंजीत बाबा का पेंटिंग है ये हुसैन साहब का पेंटिंग है तैयब का पेंटिंग है तो वो जो सिग्नेचर इस्टेब्लिश करने में बहुत स्ट्रगल है तो अगर आपके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में बात करें आपने जैसा कहा कि लेयर्स में आप पेंटिंग बनाती हैं इसके अलावा अंजलि इला मेनन की सिग्नेचर स्टाइल में क्या है क्या आप कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं लाइंस का इस्तेमाल करती हैं ज़्यादा तौर से लीनियर होती है वर्टिकल हमारे पेंटिंग्स फिगर्स बहुत स्टिल होते हैं वो हिलते हुए नहीं उसमें एक्शन नहीं है बिल्कुल जैसे पुराने समय के फ़ोटो जो होते थे बिल्कुल लोग बैठ के पोज करते थे ऐसे आप देखते हैं ये पेंटिंग में कोई इवेंट uh, का एक मोमेंट निकालना उसका वही एक मोमेंट निकालना वो मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है, mm. है। yeah. मुझे कभी नहीं लगा कि मैं महिला पेंटर हूँ ये आई वॉज़ नेवर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हमको सारे मौके मिले ऑल द गुड अपॉर्चुनिटीज़ वो दें Uh, मैं घर बैठती थी और लोग आते थे पेंटिंग देखने के लिए क्योंकि एक बार मैं सोच रही थी कि मैं कुछ करूं इस्टैब्लिश uh, होने के लिए गैलरीज़ के पीछे भागते गई लोगों के पीछे भागते गई तो मैं जाती थी uh, ये डिस्कोस uh, स्वामी रंगनाथ नंदा यहाँ डिस्कॉस करते थे भगवद गीता के ऊपर तो उनसे मैंने एक बात सीखा है कि ये जो कर्म योगा है उसमें कर्मयोग मैं चाहती थी कि मैं कर्मयोगी बन जाऊं, और उसमें रूल्स हैं कर्मयोगा के ये रूल्स हैं कि काम हो जाती है पूजा ठीक है मगर वो काम में रूल्स है उसमें लालच नहीं होना चाहिए उसमें नहीं सोच सकते हैं जब मैं काम कर रही हूँ कि इसका क्या रिजल्ट होगा वो जो फ्रूट्स ऑफ दैट वर्क मस्ट नॉट एंटर द माइंड ये बहुत मुश्किल दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट साधना यू हैव टू थिंक यू हैव टू फॉर्स योर सेल्फ कि नहीं सोचना जब ये मैं पेंटिंग करने कर रही हूँ मुझे नहीं सोचना का, हाँ ये एक्सिबिशन में जाएगा ये बिकेगा इससे मैं मेरा नाम बढ़ेगा विल बिकम फेमस ये कभी नहीं सोचना है जो काम कर रहे हैं ना वही काम में फोकस होनी चाहिए तो जब से वो फिलॉसफी मेरे पास आ गया है तब से सक्सेस ही सक्सेस हुआ है मैं कभी उसके पीछे भागती नहीं हूँ आज भी मैं भागती नहीं हूँ किसी कोई सक्सेस के पीछे वो हमारे पीछे भागते आते हैं जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं हुआ हम लोग तीन बहने थे और हमारे पिताजी ने बिल्कुल हमको जैसे बॉयज़ के माफिक रेज किया है जब मैं पेरिस जा रही थी सब सोचते के कि पिताजी बुला के बोलेंगे अच्छा बी गुड गर्ल डोंट ड्रिंक डोंट स्मोक की मत करो मैंने पिताजी ने खाली एक एडवाइस दिया था डोंट एवर बी अफ्रेड किसी से डरना मत और उसी एडवाइस से हम लोग ने आ, मेरी दोस्त थी शमा जैदी जो सत्यो की बीवी है जो फिल्म डायरेक्टर हैं शमा और मैं पूरी यूरोप में हिच से जाते थे ट्रक्स में कुछ कभी नहीं हुआ तो आपको कभी डर नहीं लगा डर भी नहीं लगा हमारे पास ये होता था ना एक पेपर का पॉट वही हमारा वेपन था कोई कुछ करेगा तो पेपर से कभी इस्तेमाल तो भी करना पड़ा कभी नहीं इस्तेमाल करना पड़ा अंजलि जी जैसा आपने कहा कि फ्रेंच गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेके आप पेरिस गई और अगर हम देखें कई अन्य मॉडर्न आर्टिस्ट को भी तो चाहे वो स्पेनिश पेंटर पिकासो हो जिन्होंने काफ़ी समय फ्रांस में बिताया या फिर भारत के पेंटर एस एच रजा साहब की बात करें तो वो भी फ्रांस में गए तो क्या ज़रूरी है एक पेंटर के लिए फ़्रांस जाना यूरोप जाना उस समय होता था कि फ्रांस द सेंटर द हब सब लोग फ्रांस को जाते हैं क्योंकि मॉडर्न मूवमेंट फ्रांस में हो रही थी ये पिकासो ब्राक इम्प्रेशनस भी थे जि, जिनका काम से मॉडर्न मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो एवरी वन यूज गो टू फ्रांस मगर आ, मुझे लगता है कम से कम सेवन एंड ऑफ सेवेंटीज एटीज़ में वो फोकस न्यूयॉर्क को शिफ्ट हो गया था तो अब सब न्यूयॉर्क को भागने लगे अभी भी मुझे लगता है न्यूयॉर्क इज स्टिल फोकस न्यूयॉर्क टोक्यो बट नॉट फ्रांस न्यू डेली बिकम द्यू डेली इज बिकम फोकस क्योंकि काफ़ी यंग कटिंग एज पेंटर्स हैं जिनका अब ग्लोबल प्रेजेंस भी एक्सेप्ट uh, कर रहा है देर इज सुबोध गुप्ता भारती खैर रियाज कोमो मैनीशन की बात करें तो कैसे वैल्यू करें किसी भी आर्ट वर्क को uh, किसी ने कहा था एक दिन हुसैन साहब से वो पाँच मिनट में उन्होंने एक घोड़ा बनवा दिया था तो बोले अरे ये तो पाँच मिनट में बन रहा है उन्होंने कहा नहीं पाँच मिनट में नहीं सत्तर साल में समझ गए ना जी वो जो ड्रॉइंग है, है सब चीज़ें वो तो सत्तर साल लगते हैं तो पाँच मिनट का खेल नहीं है समझ रहे लेकिन सुनने में एक और चीज़ आती है अंजलि जी और वो है फेक आर्टवर्क क्या आपके आर्टवर्क भी कभी फेक मॉडल्स पकड़े गए बाजार में दिस होल फेक मार्केट इज़ डिफिकल्ट और uh, हमारे फेक्स भी बनाए थे अच्छा? uh, लोग वो जो लोग कर रहे थे वो जेल में भी गए थे तो अब कैसे जाए आपको लगता है कि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं हैं जो वैलिडेट कर रहे ऑथेंटिसिटी नहीं एक फेक पेंटिंग था मेरा जो बहुत ज्यादा पैसे के लिए गैलरी बे, बेच रहा था तो एक लेडी जो देखने गई हमको फोन उन्होंने फोन किया था मुझे और वो इतना बुद्धू था वो फेकिंग वाला कि वो एक नेवल तुली का किताब निकला था इंडियन आर्ट के बारे में वो पेंटिंग उसके कवर में था उसका कवर तो सब लोग देखते हैं उसी से उस उन्होंने कॉपी किया था यदि हम मॉडर्न आर्टिस्ट की बात करें तो पुरुषों में कई नाम सहज रूप से सामने आते हैं हुसैन साहब रजा गादे आरा जय स्वामीनाथन जामनी रॉय का आपने जिक्र किया लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो यकिन आपका नाम है लेकिन आपको लगता है कि महिलाएं कम हैं पेंटिंग में नहीं आजकल के लोग जो यंग आर्टिस्ट हैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मैं मुझे लगता है कि यंग वूमे पेंटर्स बहुत सारे हैं बहुत सारे यंग पेंटर्स हैं और मॉडर्न आर्टिस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट अभी देखो रेनेसांस में देखो एक ही है जो जिसका एक्सीबिशन अभी चल रहा है लंडन या न्यूयॉर्क में नो बड़ी न्यू हु दे वर शायद पेंटिंग करते थे मगर ये सारे प्रोफेशन में होते थे औरतों को सामने नहीं आने देते थे लोग मगर वो सब बदल गया कल्चर्स की बात होती है आपको लगता है वहाँ पर भी आर्टिस्ट ध्यान देता है मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थी नाइनटी वन टू जो पहले कंप्यूटर एडिड पेंटिंग्स मैंने किया है पूरा एक पेंटिंग एक्सिबिशन था जो जहाँ पचास ऑब्जेक्ट्स हैं थ्रोन अवे ऑब्जेक्ट्स जो हमने रिट्रीव करके उनको पेंट करके आर्ट ऑब्जेक्ट्स बना दिया फिर मुरानों में गए थे ग्लास के पेंटिंग्स ग्लास के स्कल्पचर्स बनाए हैं ऑन इंडियन सब्जेक्ट्स तो उसमें शिवलिंग भी है गणेश भी है रिलीजियस सब्जेक्ट्स रियली मैरी एंड जीसस मगर इन एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हु ओ दे सो मैनी देर इज नालिनी मलानी देर इज अर्पिता सिंह ऑफ कोर्स अर्पणा कौर दिज आर एट लीस्ट माई जनरेशन ओल्ड माधुरी पारे मैनी अंजलि जी क्या लगता है आपको किसी भी आर्टिस्ट को कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए हमारे जो सब पड़ोसी देश हैं उनमें कोई एडवांस नहीं हुआ है आर्ट्स में न म्यूजिक में न पोट्री में न पेंटिंग में क्योंकि इतना दबाव था उनके ऊपर कि कल्चरल फ्रीडम नहीं मिली हमारा सबसे ज़्यादा गिफ्ट ऑफ़ आर रिपब्लिक हैज़ बीन आ फ्रीडम टू क्रिएट क्रिएटिव फ्रीडम जो हमको अपने देश ने हमको दिया है इट्स वेरी प्रेशर्स टू अस एंड वी विल फाइट टू रिटेन दिस क्रिएटिव फ्रीडम कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप पेंटिंग बनाती हैं मैं फिगरेटिव पेंटर रही आई हिडन एनी एबस्ट्रैक्ट पेंटिंग क्योंकि इंडिया में रहने से देखो लोग कितने हैं जहाँ भी देखो मेरा पीपल चिल्ड्रेन वमेन मैन हंड्रेड थाउजेंड्स तो अगर फिगरेटिव पेंटर ना हो तो यू हैव टू ब्लाइंड योर सेल्फ थोड़ा आँख बंद करके जाना पड़ेगा क्योंकि सब जगह तो लोग हैं और ये लोगों का जो नेरेटिव है जो हिस्ट्री है जो मैं पेंट करती हूँ ये मेरा हिस्ट्री नहीं है ये मेरा नैरेटिव नहीं है मेरा इतिहास इतिहास नहीं है जो मैं देखती हूँ कभी कभी तो, तो वो इमेजिन इतिहास है जैसे भूपेन कक्कर कहते थे कि इफ़ आई मीट अ मैन इन द पार्क मैं जानने चाहता हूँ वो कहाँ रहता है क्या करता है क्या खाता है उसके घर में तो दैट क्यूरियोसिटी पेंटर्स में है और जो औरत बाहर बैठी है खटिया के ऊपर मैं उनका जीवन भी जानने चाहती हूँ फोर्टी फाइव सोलो शोज हो गए हैं अभी एशनाथ म्यूज़ियम सैन फ्रांसिस्को में छः महीने का सोलो शो लगा था और फोर्टी फाइव सोलो शोज़ दो रेट्रोस्पेक्टिव तो इसमें बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है मगर मैं इसको मेहनत नहीं मानती हूँ दिस इज़ माई जॉय कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं अंजलि जी जिसमें महिलाएं पेंटिंग बनाती हैं लेकिन शायद पुरुष जो हैं वो फोकस ना करें हाँ मैं सूजा के साथ बहुत लड़ती थी बट ही वॉज अ गुड फ्रेंड बिकॉज सूजा का जब न्यू पेंट करता था दैट इज़ द मेल गेज वो थोड़ा उसमें मुझे लगता था औरतों को भी थोड़ा नफरत करता था इट वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप ले दम बे बिग बुजम्स टांगे खुले But when I paint a nude, that is my sister, my mother, my friends. So I paint it with empathy. I paint it with male painters female nude, ko paint it पदमसी भी बनाते हैं पदमसी का न्यू तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट बन जाता है उसमें इट इज इट्स इट्स अ अ ग्रेट पेंटिंग बट ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनादर लाइक आपकी क्या कोशिश रहती है कि पेंटिंग के माध्यम से एक सोशल मैसेज भी लोगों तक जाए जब मैसेज देना है टेलीविजन इज द राइट मीडियम फॉर मैसेज नॉट पेंटिंग कौन देखता है पेंटिंग को आपके हस्बैंड को शौक़ है पेंटिंग का बिल्कुल नहीं <laughs> बिल्कुल नहीं, <laughs> <laughs> नहीं. Uh, उन बट हीज अंडरस्टैंड पेंटिंग ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज ओन राइट अभी स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट हैं आप देखते हैं उनको रोज और टी वी में राजा मैनन बहुत अभी प्रिंसटन में लेक्चर दे के आए हैं ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल और इसलिए मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज ही हैज़ ए वेरी गुड माइंड हाँ तो इट डजेंट मैटर वॉट यर सब्जेक्ट इज बट दट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस शुड बी द सेम डी ऑल्सोक्ट्स

आई नीड टू पेंट उसको पीठ में और कोई हेल्प नहीं था न ना आया ना नानी न ना दादी न कोई भी नहीं था आई वॉज अ लोन विद अ चाइल तो उसको पीठ में शॉल से बांध के मैं पेंट करती थी सो इफ़ यू आर मोटिवेटेड टू वर्क दैन यू मस्ट नॉट मेक एक्सक्यूज कि शादी हो गई तो पेंट नहीं हो रहा क्यों इन आल जेनरेशन मैनी गर्ल्स डॉप्ट आउट वेरी टैलेंटेड मगर आई

As a woman, I like to spread myself as far as possible to help uh, other people, to take many children under my wing, not just my two children. That is a selfish attitude. I was in Paris, and selfish. I was just my own needs. And when we got married, had children, and extend that gives you more and more uh, shakti strength, uh, love. actually, a lot of people would have seen your artworks, but truly nice that today we had the opportunity to know the artist behind the artworks. thank you very much for speaking to du Darshan. thank you so much.